हेलो दोस्तों, तो आज हम वापस गुरुनीति मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसकी लेके वापस आए हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सर, अपन ने एक गुरुनीति कंप्लीट कर दी थी, अब ये जो अगली गुरुनीति है इस चैप्टर की, उसमें अपन नेक्स्ट जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके सर, करें, करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 NHC स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर, सिंपल है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल जो संरचनात्मक प्रोटीन होती है वो क्या होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो थोड़ा अपन एक्सप्लेन कर दें। जो NHC प्रोटीन्स होती हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, वो नेचर में एसिडिक होती है। बिल्कुल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लेते हैं, एसिडिक नेचर की होती है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। ऑब्वियसली सर, जो एसिडिक प्रोटीन होती है उनके चार्ज नेगेटिव होता है, और जो बेसिक प्रोटीन होती है उनके चार्ज होता है पॉजिटिव। जैसे स्टोन प्रोटीन थी वो बेसिक थी और पॉजिटिव। तो यहाँ पर अपन थोड़ा देखें, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। बेसिक प्रोटीन, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन हायर लेवल, ये सही बात है। जो क्रोमेटिन उसकी जो हायर लेवल पे पैकेजिंग करते हैं, जब सेल डिवीजन की बात आती है, प्रोफेज में जो कंडेंसेशन होता है, वहां पर मुख्य रूप से नॉन स्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन ही भाग लेती है। तो ये करेक्ट हो गया। एसिडिक प्रोटीन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये एसिडिक तो है लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो स्टोन प्रोटीन के लिए हो। बिल्कुल, लाइसिन आर्जिनिन तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, तो यहां पर क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑब्वियसली आंसर जो है इसका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन ऑक्टामर ऑफ न्यूक्लियोसोम। जैसे कि हम न्यूक्लियोसोम जो है उसका ऑक्टामर होता है, इस ऑक्टामर के अंदर अपने को पता है टोटल जो हिस्टोन प्रोटीन है वो यहाँ पे 8 हुआ करती है। ये यहाँ पे है H2A, H2B, H3, H4, इन चारों हिस्टोन के दो दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, तो टोटल यहाँ पे हिस्टोन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, 8। बट क्वेश्चन में अगर ऐसे होता कि कितने टाइप की, तब यहाँ पे आंसर आता 4 आता। यहाँ पूछा है हाउ मेनी, टोटल नंबर पूछ लिया, ऑब्वियसली टोटल नंबर 8 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑन द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस फॉर द DNA विद 5 डेज। ये अपने पास सीक्वेंस आई गई, बिल्कुल सीक्वेंस आपको दिया है और आपको रूल पता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी का। जैसे ही आपको सीक्वेंस दिया गया, तो इसके बिल्कुल पूरक जो है आप DNA सीक्वेंस मेंशन कर सकते हो। जैसे आपका 5' है, 3' है, उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं पहले मेंशन कर दूं A है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T, यहाँ पर हो जाएगा C, C, G, A, T, C, G। लेकिन यहाँ डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको, ये 5' है और ये 3' है। तो यहाँ देख लो, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा आपका 5' to 3' सारे दे रखे हैं, तो सीक्वेंस देखो GCT, तो ये जो सेकंड वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपको ये भी तो जानना पड़ता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो बेस की तो होती है, बिल्कुल, साथ साथ जो टर्मिनल होते हैं 3 days, 5 days, ये भी आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। एंटी पैरेलल इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक दूसरे के प्रति समानांतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following was not used during the experiment of Michelson and Stahl? और बहुत important experiment भी थे, जो अपना semi-conservative mode of replication उसको prove करने के लिए experiment दिया गया था। तो इन्होंने अपने experiment में कुछ experimental materials काम में लिए थे, जिनकी इसने बात की कि कौन सा use नहीं किया गया। तो रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन, तो यहीं पर ही ये आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि जो रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन है उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया था, वो आइसोटोप था, बिल्कुल नहीं कि वो रेडियोएक्टिव था। हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट जो है डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है, डेंसिटी पर बेस्ड था, रेडियोएक्टिव नहीं किया था, ये रेडियोएक्टिव नहीं है, आइसोटोप होगा। बिल्कुल, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया उन्होंने उपयोग में लिया था, और वो भी जो बैक्टीरिया था ईकोलाई था, इंपॉर्टेंट है। सीजीएम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन उपयोग में लिया था डीएनए के ग्रेडियंट बनाने के लिए। ऑल ऑफ दिस में जाएंगे नहीं, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सिंपल है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, इट कैन नॉट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही है भाई, ये सर इलोंगेशन कर सकता है, बिल्कुल इनिशिएशन नहीं करेगा रेप्लिकेशन। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है उसको जीरो से फॉर्म नहीं कर सकता, जो बनी हुई चेन है उसको इलोंगेट कर सकता है। इनिशिएशन के लिए ये आरएनए प्राइमेज पे डिपेंड होता है, डिपेंड होता है। बिल्कुल, इट सबस्ट्रेट आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है। इट कैटालाइज रेप्लिकेशन एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है। इट कैन अनवाइंड डीएनए हेलिक्स, नहीं ये इसका फंक्शन नहीं है। अनवाइंडिंग जो है वो डीएनए हेलिकेज होती है, जब रेप्लिकेशन होता है तो हेलिकेज अनवाइंडिंग करेगा। तो यहां पर सिंपल है, ये आपका फोर्थ आंसर होता है, चला गया। बिल्कुल, नेक्स्ट, न्यू स्ट्रैंड दैट सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल पीस एंड देन जॉइंड together during DNA replication is called
तो ठीक है, अपने को पता है कि जब रेप्लिकेशन हुआ करता है तो उस रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, एक तो वहां पर वो टर्मिनल होगा जहां पे कंटिन्यूअसली चेन का फॉर्मेशन होगा, वो होता है अपना लीडिंग स्ट्रैंड, और जहां पे अपन कह सकते हैं कि साहब फ्रेगमेंट के फॉर्म में होता है, उपादान के फ्रेगमेंट बनते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, सिंपल है, डायरेक्ट है लैगिंग स्ट्रैंड आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो यहाँ पे मैचिंग करनी है अपने को, स्प्लाइसिंग और ताकि फ्रेगमेंट जगह डायरेक्ट ही अपन मैच कर देते हैं। स्प्लाइसिंग दे रखा है तो स्प्लाइसिंग में इंट्रोन्स को क्या करेंगे अपन, रिमूव कर देंगे। ओकाजा की फ्रेगमेंट तो यहाँ पर अभी आपने बताया सर लैगिंग स्टैंड हो जाएगा। जैकब और मोनार्ड इंपॉर्टेंट, इन्होंने लैग ओपेरॉन जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, और जो इंड्यूसर है प्रेरक है ये लैग ओपेरॉन में ही बात करेंगे अपन, लैक्टो जो है लैग ओपेरॉन का प्रेरक होता है, तो यहाँ पर अपने मैचिंग कर दिए, सिंपल आंसर। बिल्कुल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएशन इज कैटालाइज्ड बाय हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज, डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमरेज। तो अपने को पता है कि जो आरएनए प्राइमरेज है वो वहां पे प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा जिससे इनिशिएशन हो जाएगा। और जस्ट अभी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करने में सक्षम होता है, तो इस पे डिपेंड करेगा, आरएनए प्राइमरेज इनिशिएशन कर देगा बाद में इलॉन्गेशन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द बेस सीक्वेंस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड इज डायरेक्टेड बाय डीएनए पॉलीमरेज, टेम्पलेट स्ट्रैंड, प्राइमरी स्ट्रैंड या आरएनए प्राइमरेज। तो अपने को पता है कि जो नई बनने वाली चेन में बेस पर आएंगे अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड आते हैं। बिल्कुल, वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जो रूल है वो अप्लाई होता है, अप्लाई होता और उसके पूरे की बेस पेयरिंग होती जाएगी और उनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, यहां पे आरएनए के अंदर बेस पेयर आ जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अपने सर लास्ट लेक्चर में हमने बताया भी था अपने कि सेंट्रल डोगमा जो है डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से फिर बनता है आपका प्रोटीन, और डीएनए से डीएनए भी बनता है। तो ये सेंट्रल डोगमा जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बता भी रखा है वहां पर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। और ये जो सेंट्रल डोगमा है ये जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोशिकीय जीव जितने भी सब में पाया जाता है, लेकिन कुछ वायरस जो है इसके एक्सेप्शन है, और वो होते हैं आपके जो रेट्रोवायरस है। इसमें क्या होता है, रेट्रोवायरस के अंदर जो आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए से फॉर्मेशन होता है डीएनए का, फिर उसके बाद में हाँ, तो देखो यहाँ पे रिवर्सली हो गया, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं टेमिनिज्म, टेमिनिज्म कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो एच आई है उसके अंदर होता है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। बिल्कुल, जो यूजुअल सेंट्रल डोगमा है वो ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज दैट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल सही है, इट इज हाईली एफिशिएंट, इट कंटेन प्रूफरीडिंग एक्टिविटी। तो उनके साथ सारे स्टेटमेंट यहां पे सारे जो है डीएनए पॉलीमरेज की जो प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है एग्जाम ओरिएंटेड, डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जनरली जो पूछता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। Both strand of DNA cannot be separated in its entire length. बिल्कुल सही है, NCERT में डायग्राम में रखा है इस तरीके से कि साहब जब दोनों चेन सेपरेट होते हैं तो पूरी एक साथ सेपरेट नहीं होती है, बिकॉज सारों को सेपरेट करने का मतलब कि आपने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। बिल्कुल, और इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाता है एनर्जी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, और देखो सर 20 स्टेटमेंट अपने आप ही आ गया, इट इज वेरी हाई एनर्जी, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग मैचिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्जा फ्री, लैग ओपेरॉन, जैकब मोनोड, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ ने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, हर्षे चेज। बिल्कुल, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हर्षे चेज ने जो है एक्सपेरिमेंट अलग किया था, जो अपने लास्ट लेक्चर में बात किया सेमी कंजर्वेटिव वाला किया था, जो अनइक्विवोकल प्रूफ है वो दिया था जिसने, हर्षे चेज इसने दिया था, वॉट्स क्रिक वॉट्सन के, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। बिल्कुल। नेक्स्ट, In prokaryotes, the process of replication is catalyzed the following enzyme. Identify which of the enzyme best coordinate with the role. Okay? बिल्कुल। Helicase, बिल्कुल। Helicase अभी जैसे आपने बताया, helicase जो है unwinding करता है, hydrogen bonds को break करता है। तो यहाँ पर इसने mention किया, join the end of DNA segment. तो ये जो matching है वो क्या है? गलत wrong matching है। Next, DNA polymerase first synthesize DNA. ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज का ही जो है एक रोल है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड इरेज प्राइमर एंड फिल्स गैप, फिल्स द गैप।
तो यहाँ जो गैप फिलिंग है, चलो मैं ये इसने प्रोकैरियोट के अकॉर्डिंग बात की, बिल्कुल, और जो सर ये भी कहेगा साहब बेस्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे जो इरेज वाला है वो तो डीएनए पुणे पर फर्स्ट भी कर सकता है, फर्स्ट भी कर सकता है, बड़ा इशू नहीं है। फोर्थ यहाँ पे है प्राइमेज की बात कर रहे हैं, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, बिल्कुल आरएनए प्राइमेज जो है वो इसका निर्माण करता है, आरएनए प्राइमर का निर्माण, एक्यूरेसी होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग बात करनी है क्योंकि थोड़ा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये फर्स्ट सेकंड दे रखे, लेकिन थोड़ा बता देते हैं डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है उसका मेन फंक्शन होता है प्रूफ रीडिंग, वो मेजर रिपेयर एंजाइम है जो जनरली गैप फिल करता है इन जो आपके आरएनए प्राइमर से उनको हटाता है। ये जो सेकंड है ये यूजुअल जो छोटे मोटे जो गैप वगैरह बन जाते हैं उनमें यूज में लेते हैं, ठीक है। प्राइमेज का यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने दे रखा है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा अपना फोर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who gave semi-conservative mode of DNA replication for the first time in E. coli with the help of N15 heavy nitrogen isotope? बिल्कुल, जस्ट अभी बात की अपन ने, ये बिल्कुल नहीं था मिजेलसन स्टार। Next, select correct option for prokaryotic transcription. ये prokaryotic transcription की बात अपने को पूछ रहे हैं। Rho protein initiate the transcription, तो wrong हो गया। Wrong हो गया। Initiation तो sigma factor करता है। mRNA require processing to become active, नहीं वो तो पहले से active होता है, बिल्कुल। hRNA जो है उसको requirement होती है। Translation begin when mRNA is fully spliced, ये जो है वो आपके साथ prokaryotic में ऐसा सही नहीं होता, prokaryotic में splicing process ही नहीं होती, होती नहीं splicing। Transcription take place in cytoplasm, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे prokaryote में जो transcription है वो cytoplasm में होता है, और बाकी statement जैसा सर ने बताई बिल्कुल क्या है incorrect, incorrect। तो यह आंसर हो जाएगा अपना fourth। Next, consider the following statement: during transcription, adenine pairs with uracil. तो बिल्कुल सही है, transcription में uracil आएगा, thymine आएगा नहीं। Principle of complementary governs the both of transcription and replication. बिल्कुल दोनों में follow होता है। In transcription, only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA. बिल्कुल correct है। रेप्लिकेशन में तो दोनों से बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन में खाली एक से बनेगा, और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, जस्ट स्पेसिफिक सिस्ट्रोन उसी में हो पाएगा। बाय स्विचिंग प्रमोटर पोजीशन विद टर्मिनेटर द डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड कुड बी रिवर्स्ड, बिल्कुल अपन यहां पे कह सकते हैं, स्टेटमेंट एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली लिखा भी है, जो प्रमोटर है वो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। अगर आपने प्रमोटर और टर्मिनेटर के सीक्वेंस को चेंज एक्सचेंज कर दिया तो कोडिंग और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड उनकी डेफिनेशन रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। तो फिर तो सर सारे स्टेटमेंट क्या हो गए, सही है, करेक्ट हो गए, कितने कथन सही है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए, मतलब आरएनए से अपने को यहां पे डीएनए का फॉर्मेशन करना है, तो आरएनए पॉलीमरेज, तो जब डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल, और ये होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए से अगर डीएनए पूछा, अगर पूरा नाम लिखे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए से डीएनए बने तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा क्वेश्चन भी है, कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, द कोडोन्स दैट कॉजिंग चेन टर्मिनेशन आर, तो चेन का जो टर्मिनेशन है वो स्टॉप कोडोन से होता है, स्टॉप कोडोन सेलेक्ट करना पड़ता है, यूएजी यूजीए और यूए, बिल्कुल सही आंसर। Next, the primary transcript produced in eukaryotes is required. Five days, देखो जो hRNA बनता है, जो कि primary mRNA होता है, ये hRNA के अंदर आप कह सकते हो capping भी होती है, telling भी होगी, splicing भी होती है, तीनों process जो है वो तीनों process यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ answer फिर हो जाएगा आपका all of this। और ये थोड़ा important भी है कि वाला पीछे से आपने पहले भी बताया था कि prokaryote में नहीं होता, ये सारे प्रोसेस जो है यूकैरियोट के ही करैक्टर है, क्योंकि वहां पर एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए जो है ये सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि यूकैरियोटिक में मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल ज्यादा जटिलता पाई जाती है। नेक्स्ट, द गिवन फिगर इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल, तो अपने को यहां पे आइडेंटिफाई सी को करना है, सी को आइडेंटिफाई करना है कि सी, देखो यहां पर नया आरएनए बनता है और बनने का जो प्रोसेस है हमेशा होता है 5 डेज टू 3 डेज, जैसे हमने बताया पिछले लेक्चर के अंदर कि हमेशा बनता 5 डेज टू 3 डेज ही, बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी हो गया, यहां 5 डेज, ये ऑब्वियसली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएनए, आरएनए को डिस्प्लेस हो रहा है, यहां पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू द कोडोन एंड द एमिनो एसिड कोडेड बाय इट, GUG यहाँ पे है ट्रिप्टोफैन, AGA यहाँ पे आर्जिनिन है, ACC ग्लूटामिन है, ACC यहाँ पे थ्रियोनिन को करता है, बिल्कुल नहीं ग्लूटामिन को करता है, और GUG जो है वो वैलिन को करता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, तो उसने पूछा गया सही, पूछा AGA जो है आर्जिनिन को,
ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया सर कि वहां पर चेकर बोर्ड दे रखा है तो कई बार लगे बच्चों को याद करने हैं वो, है ना, कई बार वो क्वेश्चन पूछ ले तो ऑब्वियसली जनरली सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कर लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह की क्वेश्चन डिजाइन कर जिसको याद है वो ही कर पाएगा और मेरे ख्याल से तभी आप एक्स्ट्रा स्कोर कर पाओगे। इसलिए एनसीईआरटी का कोई कंटेंट छोड़ना नहीं है, सब कुछ याद करके रखना। कई बार क्या एग्जामिनर आपकी हेल्प भी कर सकता है, वो मैचिंग वाले देता है। हां मैचिंग वाले, मैचिंग मान लो एक स्टार कोडन हो गया तो आप उससे बाकी के पहचान सकते हो, आराम से पहचान, स्टॉप कोडन से पहचान सकते हो, वो आपकी हेल्प करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोडन कोड सेम इंफॉर्मेशन एज यूजीसी। तो यहां पर जो यूजीसी किसको करते हैं, वो करते हैं 16 को, और ये यहां पे किसका सेम हो गया, यूजीयू यूजीए यूएजी यूजीजी, यहां पे हो गया अपना यूजीसी। बिल्कुल, तो ये वही कोडन वाला आ गया जो आपको थोड़े से याद भी रखना, सेम थीम हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही है, डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइंड एज ए जीन। बिल्कुल सही है, इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। बिल्कुल करेक्ट, कह सकते हैं सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है, और ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट अपन ने उठाए हैं क्योंकि डायरेक्टली पूछ भी लेता है। जो अभी जैसे जीन को अपन डिफाइन करें तो आपको इतना याद रखना है जीन कौन होगा, डीएनए का वो पार्ट जिससे ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, जिससे कोई भी आरएनए बने, आइदर एमआरएनए टीआरएनए और एमआरएनए, उसको अपन क्या बोलेंगे जीन। और ये भी वहां पर सर प्रोमोटर वाले पार्ट में दे रखा है, जो प्रोमोटर होता है यूनिट उसके आगे पीछे कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल लेक ऑपरेंड में आएगा ऑपरेटर, तो प्रोमोटर के जस्ट बाद में हो तो ऑपरेटर क्या कर रहा है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना, तो आंसर हो जाएगा सर यहां पर 4। नेक्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्स द स्ट्रक्चरल जीन। बिल्कुल, जो स्ट्रक्चर दोनों तरफ होते हैं तरह प्रमोटर टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 5 डैश एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड का बिल्कुल 5 डैश की तरफ होता है, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड, ये यहाँ पे है प्रमोटर, ये यहाँ पे है टर्मिनेटर, ये 3 डैश 5 डैश, ये 5 डैश और ये 3 डैश। फिर यहाँ पे टर्मिनेटर इज लोकेटेड इन अपस्ट्रीम, टर्मिनेटर जो है वो अपस्ट्रीम में नहीं होता, वो डाउनस्ट्रीम में होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रोंग हो गया, रोंग हो गया, रोंग है, कुछ है। और याद भी रखना है प्रमोटर हमेशा मिलेगा आपको अपस्ट्रीम में, और स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर हमेशा मिलेंगे डाउनस्ट्रीम में। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नेसेसिटेट डिफाइन द बाउंड्रीज दैट वुड डिमिग्रेट द रीजन एंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट वुड ट्रांसक्रिप्ट। तो निम्न में से कौन सा प्रक्रम डीएनए की लड़ी व जगहों को पता लगाने में जो अनुलेखन में भाग लेते प्रदेश करता है। बिल्कुल नहीं हो गया, अभी जस्ट पहले स्टेटमेंट आया भी था, सेम ये बना रखा है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की सहायता से आपको पता लगेगा कि कौन सी लड़ी जो है वो टेम्पलेट का काम करेगी और कौन सा भाग जो है वो क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज कोडेड बाई मैक्सिमम 6 कोडोन्स। तो अपने को पता है कि मैक्सिमम जो कोडोन्स है वो 6 हो सकते हैं किसी एक एमिनो एसिड के लिए। बिल्कुल, और वो सीरीन आर्जिनिन ल्यूसीन इन सब के लिए पॉसिबल है। बिल्कुल, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोडिंग भी रहता है। और याद में रखना है 3 ऐसे हैं जिनके लिए 6 कोडोन जो है प्रेजेंट होते हैं और वो एक एमिनो एसिड को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ये डीजनरेसी एग्जांपल। नेक्स्ट, इफ जेनेटिक कोडोन्स आर ओवरलैपिंग then how many codons are possible in the following mRNA। बिल्कुल सिंपल है, हम लोग बोलते हैं कि साहब कोडोन ओवरलैप है, बट यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग करानी है। बिल्कुल, जैसे फर्स्ट कोडोन यहाँ पर गया AUG, दूसरा हो गया UGC, तीसरा हो गया GCA, चौथा हो गया CAC, फिर ACA, फिर AA, तो टोटल लगे अपने पास में यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5 6। और हाँ, ओवरलैपिंग का क्योंकि यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड कम दे रखे हैं सर, यहाँ इनको बच्चों को फॉर्मूला बताया जाता है। फॉर्मूला सिंपल है, n-2। यहाँ पर n जो है वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जितने न्यूक्लियोटाइड है उसमें 2 कम कर दो आपको। बिल्कुल, जिसमें न्यूक्लियोटाइड कितने, 3 3 6 3 9, तो 9 में से 2 घटा दो, तो यहाँ पर कितने पॉसिबल कोडोन बन सकते हैं अगर ओवरलैपिंग हो, तो आंसर हो जाएगा 7। अगर मान लो यहाँ दे रखे होते 99, तो उसमें 2 कम कर दो आप, 96 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी, n-2। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट dsDNA इज बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो बिल्कुल अपन कैसे कहते हैं साहब, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ए के सामने टी के सामने होती है। बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, बोथ स्ट्रैंड कंटेन सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये गलत है, सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं आता इसमें, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। बोथ आर जॉइंट थ्रू एच बॉन्ड, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट है वो
थर्ड हो जाएगा, जैसे सर ने बताया दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन दोनों में पूरकता का मतलब समानता नहीं होता, वहां पर लिख भी रखा है पूरकता का मतलब समानता नहीं होता, दोनों में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या मिलेगा डिफरेंट। और सर वहां पर देखो एग्जांपल भी दिया था कि दोनों टेम्पलेट का काम क्यों नहीं करते, तो उससे क्लियर हो रहा है कि दोनों का सीक्वेंस अलग है, तभी तो दोनों अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बिल्कुल बनाती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आगे आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, सेलेक्ट ओड वन रिगार्डिंग जेनेटिक कोडोन अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक डीजनरेट नियरली यूनिवर्सल ओवरलैप, तो अपन कह सकते हैं कि ये ओवरलैप नहीं हो सकता, बिल्कुल ये बाकी प्रॉपर्टी है, हां बाकी प्रॉपर्टीज की है, ओवरलैप नहीं होंगे, जेनेटिक कोड होते हैं वो यूजुअली क्या है नॉन ओवरलैप्ड है, एक्सेप्शन जैसे आपने अभी क्वेश्चन भी करवाया था, एक्सेप्शन मिलेगा आपको ओवरलैप का केवल 5174 फेज में, तो ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा ओवरलैप कोडन पाए जाते हैं, जिससे हर बार ही अपनी प्रोटीन को बदल भी लेता है, लेकिन यूजुअली जो है ओवरलैप नहीं होता, इसी वायरस में होता है। नेक्स्ट, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो बिल्कुल हमने कहा था ट्रांसक्रिप्शन में खाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसी से आरएनए बनता है, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट आरएनए मॉलिक्यूल हैव सिमिलर सीक्वेंस, मेक द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मशीन इज सिंपल, टू आरएनए मॉलिक्यूल्स, हाँ ये सही है, टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर सो फॉर्म ए डीएसआरएनए, बिल्कुल ये जटिलता उत्पन्न हो जाएगी, अगर दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे तो दोनों से जो बनने वाले आरएनए एक दूसरे के पूरक होंगे, और पूरक होते ही वो द्विरज्जु के आरएनए में बदलेंगे, जिससे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने ये जो है इवोल्व किया ही नहीं, केवल एक स्ट्रैंड को जो है टेम्पलेट बनाया, अगर मान दोनों टेम्पलेट में आ गए तब तो फिर वहां पर जो बनने वाला आरएनए है वो अलग टाइप का हो गया, बिल्कुल फिर एक जीन से दो प्रोटीन बन जाएगी, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी जेनेटिक ट्रांसफर मशीनरी में, आंसर यहां हो जाएगा 4। नेक्स्ट, डिफाइनिंग ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑल द रेफरेंस पॉइंट आर मेड विद कोडिंग नॉन कोडिंग नॉनसेंस या टेम्पलेट, तो अपन कह सकते हैं कि साहब जो कोडिंग स्टैंड है हम उसी बेस पर डिसाइड करते हैं प्रमोटर को टर्मिनेटर उन सब, और उसको बोलते भी अपन रेफरेंस स्टैंड भी बोल देते हैं कोडिंग स्टैंड, इसीलिए उसका दूसरा नाम है वो, बिल्कुल तो ये आंसर हो जाएगा कोडिंग स्टैंड। नेक्स्ट, व्हिच प्रेजेंस इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, तो हम डिफाइन अब यहाँ पर किसके बेस पे करते हैं प्रमोटर के बेस पे कर देते हैं, अभी क्वेश्चन भी आया था प्रमोटर को अगर चेंज कर दिया टेम्पलेट से तो डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तो ये याद भी रखना है बच्चों को कि प्रमोटर ही डिसाइड करेगा कौन कोडिंग होगी कौन टेम्पलेट होगी। नेक्स्ट, द एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दे मे बी प्रेजेंट, अतिरिक्त नियामक अनुक्रम एक अनुलेखन इकाई में होती है उपस्थित हो सकते हैं, बिल्कुल तो अपस्ट्रीम टू प्रोड्यूसर कर सकता है एस एनर्जी कैरियर, बिल्कुल कर सकता है एस मोनोमर ऑफ आरएनए, तो यहाँ पे उपलब्धित हो जाएगा, बिल्कुल सारी कर सकते हैं, और दे भी रखा फंक्शन इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, एनर्जी भी दे रहा है ताकि प्रोसेस जो है वो स्पीड से हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन के पास में दे रखी है बकायदा एनसीईआरटी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नेवर ट्रांसक्रिप्ट, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको अनुलेखन नहीं कर सकता, 28 एसआरआरएनए कर सकता है, 18 भी कर सकता है, 5.8 5 एसआरआरएनए जो है इसको ये नहीं कर सकता, आंसर यहां पे हो गया फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल यहां अपने पास स्पेस है थोड़ा यूज ही कर लें इसको, बिल्कुल जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो यूकैरियोट में तीन टाइप के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज, और यहां से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है इसलिए बता ही देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और आरआरएनए में भी कौन से अभी जैसे सर ने बताया 28S 5.8S और 18S, इसके अलावा जो सेकंड है वो बनाएगा एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए जो है एमआरएनए का क्या है सर, प्रीकर्सर है, एक ही बात एमआरएनए से बन जाएगा, थर्ड जो है वो होता है टीआरएनए के लिए, लेकिन अपवाद स्वरूप ये 5S आरआरएनए भी बनाता है और साथ में एसएनआरएनए का भी निर्माण करता है, तो ये टेबल जो है एनसीईआरटी ने दे भी रखी है और जहां से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है जो बिल्कुल आपको याद रखनी है। ओके सर चलें आगे, हां नेक्स्ट 81, हु गेव द आईडिया दैट जेनेटिक कोडोन इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, तो ये सबसे पहले आईडिया किसने दिया था, जॉर्ज गेमो ने दिया था, ये जॉर्ज गेमो एनसीईआरटी में दे भी रखा है, जो कॉन्सेप्ट है जेनेटिक कोड का जॉर्ज गेमो ने दिया था, और ये फिजिसिस्ट था सर, भौतिकविद था जिसने ये जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में आके इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दिया, तो
तो ये साइंटिस्ट के नाम भी थोड़े याद रखने, ये वाकई भी रिलेटेड है, जैसे आएंगे थोड़ा बता देते हैं सर, सेगरो ओकावा जो है उसका भी जेनेटिक कोड की डिसअपीयरिंग में रोल है, इसने एक ओकावा एंजाइम जो है उसको जो बताया था जो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, जो खुराना साहब थे उन्होंने केमिकली जो है आरएनए का फॉर्मेशन किया था, आरएनए जो को पॉलीमर है उनके जो पॉलीमर है उन्होंने उनको सिंथेसाइज किया था, लेकिन रासायनिक संश्लेषण किया था। और जो नीरेनबर्ग है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसने सेल फ्री मीडियम में प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको डेवलप करवाया था कि आप बिना सेल के या इन विट्रो कंडीशन में प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करवाओ। और ये वही है जिसने जो ट्रिक नेचर है जेनेटिक कोड की, जो ट्रिपलेट नेचर होती है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था नीरेनबर्ग और मिथाइल ने। तो ये मिलेंगे बच्चों को जेनेटिक कोड वाले चैप्टर में, ये सारे इनके जो है इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप कोडोन इज, तो स्टॉप कोडोन यहाँ पे कौन सा है पता है, यूएए, ये यहाँ पे स्टॉप कोडोन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट कोड इज यूनिवर्सल एक्सेप्ट यू कैन से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर जो है यूनिवर्सिटी नहीं आ पाती। बिल्कुल प्रोटोजोआ और लिख रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में, और जो प्रोटोजोआ उनमें नियरली यूनिवर्सल बोला जाता है, क्योंकि कुछ अपवाद आ गए, नहीं तो पहले सर यूनिवर्सल बोला जाता था, ये बाद में एक्सेप्शन आया, ओल्ड कॉन्सेप्ट था कंप्लीट यूनिवर्सल, अब न्यू कॉन्सेप्ट है नियरली यूनिवर्सल। नेक्स्ट Which codon have dual function? तो अपने को पता है कि जो AUG होता है, ये start codon भी है और ये methionine को code भी करता है। ये code कर रहा है, जैसे सर ने बताया methionine को, और ये start codon के रूप में भी काम करता है। Start codon जो translation initiation में help करता है। Next, gene control growth and differentiation through gene वृद्धि और विभेदीकरण के द्वारा करता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसडक्शन, ये इसका आंसर हो गया कि जीन जो है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन करता है, उसके बाद ट्रांसलेशन करके ग्रोथ को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। बिल्कुल, और ये सर जब हमने जो भी क्वेश्चन निकाले हैं, ये कॉन्सेप्चुअल भी हैं और सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट हैं। एनसीईआरटी बार क्या होता है कि बच्चा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को सिलेबस में ले लेता है, और वहां से वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डिजाइन करता है। हम यही चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट जो है उनके अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट डिजाइन हो सकते हैं, और ये चीजें हैं कहीं ना कहीं लिंक करती हैं। जैसे आपने बताया कि बिना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के डिफरेंसेस हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली मैं सेल की बात करूं तो जब वो विभेदन में जाती है, विभेदित होती है, तो वहां पर जीन, पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होंगे, एक्सप्रेस होंगे तो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा, जैसे उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो शेप है, वो सारी क्या होंगी, चेंज होंगी, और जो ऑर्गन फॉर्मेशन है या ग्रोथ है या डेवलपमेंट, उनमें सब में किसका रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का। कोई भी अगर मान लो स्ट्रक्चर अपने बॉडी में दिखती है, ड्यू टू प्रोटीन दिखती है, और प्रोटीन का फॉर्मेशन बिना ट्रांसक्रिप्शन के हो ही नहीं सकता। तो यहां पे आंसर पूरा, तो ये सर यहां जो अपन ने क्वेश्चन लिए थे वो सारे अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज अपने जनरली जो है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे अपन डिस्कस कर लिए, सिंपल भी है लेकिन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपन बच्चों को एक बार मॉलिक्यूलर को समराइज कर देते हैं, ताकि उनको पता रहे कि अपन क्या कर चुके हैं और आगे जो है कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन किया, इसकी कहानी सर डीएनए से शुरू होती है, डीएनए से शुरू। तो मेरे ख्याल से यहाँ डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर, उसकी जो मॉडलिंग है, वॉटसन क्रिक मॉडल, वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा है और जहां से क्वेश्चन डिजाइन करता रहता है। उसके बाद वो डीएनए पैकेजिंग की बात कर रहा है सर, जो डीएनए पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में उन्होंने डिफाइन करके, और वहां से भी दो चार क्वेश्चन जो है बनने के चांस होते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रोकैरियोट की सिंपल है, लेकिन यूकैरियोट में बात करते हैं स्टोन प्रोटीन वगैरह, उनकी पैकेजिंग अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए, ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम सारे अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया अपन ने, इसके अलावा एवरी, मैकलियोड, मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, और फिर हर्से चेस, उसके भी अपन ने सारे क्वेश्चन लपेट लिए। उसके बाद में डीएनए वर्सेज आरएनए, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेटमेंट है काफी अच्छे स्टेटमेंट लिख रखे हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है कहाँ कौन सी लाइन से क्वेश्चन डिजाइन कर दे। और अच्छा टॉपिक भी है, डीएनए जो है वो आरएनए से बेटर किस वे में है, और आरएनए जो है वो डीएनए से किस वे में बेटर है। बिल्कुल, और सारी चीजें अपन ने डिस्कस की हैं, स्ट्रक्चर वगैरह भी अपन ने मेंशन की है, तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट। और एक अच्छी बात इनमें ये सब कनेक्टेड है, कोई इसमें रटना नहीं है, सारे जो टॉपिक है एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो लिंक है, तो इंटरेस्ट भी आता है कि कोई रटा फिक्शन ज्यादा नहीं है। उसके बाद में फिर उन्होंने रेप्लिकेशन स्टार्ट किया, जिसके अंदर सेमी कंटिन्यूटी मोड जो उसको एक्सप्लेन किया, मिजेलसन स्टोल एक्सपेरिमेंट, और एक और भी है वो टेलर वाला भी, टेलर ने सर यूकैरियोट में किया था, और हाँ उन्होंने जो है प्रोकैरियोट में इसको प्रूव किया था। उसके बाद में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है,
पूरा जो है इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन प्रोसेस के भी क्वेश्चन आपने किए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या रोल है, डीएनए पॉलीमरेज जो है मुख्य एंजाइम होता है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, काफी अपन ने उन क्वेश्चंस को लपेट लिए हैं। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की बात की तो सर ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड जेनेटिक कोडॉन्स, और यहाँ से भी क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। जेनेटिक कोड से दो ही क्वेश्चन आते हैं सर, जैसे अपने जनरली देखा है, या तो पूछेगा वो स्टार्ट कोडॉन या फिर वो स्टॉप कोडॉन की बात कर लेता है, तो इनके ऊपर फोकस करना है। तो ये अपने टॉपिक जो है कवर करनी है। अब इसके बाद जो है आपका ट्रांसलेशन और लैक ओपेरॉन, तो उनके क्वेश्चन जो है अपने अगली लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ताकि ये पूरा चैप्टर जो है पूरा समराइज हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर अपने दो और बचेंगी मॉलिक्यूलर में, तो एक बार इनको बता देते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल है वो दो गुरुनीति में बायोमोलिक्यूल सारे कवर कर लेंगे। बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल है वो अपने 11th एनसीईआरटी में है, लेकिन वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस डीएनए इस मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर से अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो हम उसको यहाँ पे करेंगे इसलिए। ठीक है सर, बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझ रहे होंगे, बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और इनसे बाहर मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल भाई, जो क्वेश्चन है और जो ऑप्शन है, बिल्कुल चारों ऑप्शन देखने के बाद में कोई क्वेश्चन बाहर से जाएगा नहीं, एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन के बराबर होता है, बिल्कुल सारे वो ऑप्शन क्यों गलत है क्यों सही है, हाँ। तो आपको उस हिसाब से स्टडी कर लोगे तो सारा कवर हो जाएगा, पूरी एक थीम बन जाती है आपके सामने कि साहब कहां से क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, ये सही तो सही क्यों है, गलत हो गलत क्यों है, इस तरीके से। चलो ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।